हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देव व्लॉग में आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। और चलिए आज एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और देखिए, बिल्कुल आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं, जो कि क्रेन से रिलेटिव है और ये बहुत ही ज़रूरी होता है इसको जानना, और जान के आप लोगों को कुछ फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो मेरे वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए, जो देखिए ये डिस्प्ले में आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो डिस्प्ले में आप लोगों को दिख रहा है ये है क्या चीज, ये जो पंखा टाइप का घूम रहा है ये है क्या चीज। तो इसे देखिए कहते हैं हम, जो कि ये क्रेन का टॉप में लगा हुआ होता है, और इसे हम कहते हैं एनीमोमीटर। ये एनीमोमीटर है। तो एनीमोमीटर का काम क्या है, इसको किस लिए लगाया जाता है, तो मैं आज इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए मैं डिटेल में बताता हूं आप लोगों को कि ये एनीमोमीटर किस विस्तार से आपको बताते हैं, जो कि ऊपर बाहर घूमता है। आपको दिखाए थे जो ये फैन है, ये फैन जो आपको दिख रहा है, तो ये फैन, इसका नाम है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, तो ये एनीमोमीटर का काम क्या है, मोबाइल क्रेन में जो ये पार्ट्स होता है ये डिवाइस में आता है, एक डिवाइस होता है, तो ये उसमें से भी ये एक डिवाइस है एनीमोमीटर। और ये मोबाइल क्रेन के लिए बहुत ही अहमियत पॉइंट होता है, पार्ट होता है, और इसको जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। तो ये एनीमोमीटर करता क्या है, दर्शाता क्या है, एनीमोमीटर का काम क्या है, तो देखिए एनीमोमीटर का काम जो है मैं उसी के बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो जो ये एनीमोमीटर है ना, जो बाहर लगा हुआ होता है, जो पंखा जैसा घूमता है, उसको एनीमोमीटर बोलते हैं। और वो आके हमारा कनेक्ट होता है, यहाँ पे LMI में कनेक्ट होता है, इसको हम लोग ये सिस्टम को पूरा LMI बोलते हैं, ठीक है। कितना कोई कंप्यूटर बोल देता है, डिस्प्ले बोल देता है, लेकिन इसका LMI है, जो कि इसका जो पूरा नाम है वो LMI ही होता है, ठीक है। और उसके बाद से इसमें वो पॉइंट कहाँ आता है, जो हमारा बाहर में एनीमोमीटर जो लगा हुआ होता है उसका पॉइंट आप देखिए यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखिए इस तरह का, इसी तरह का आप लोग बाहर देखे थे ना, इस तरह का पंखा लगा हुआ जो घूम रहा था। और ये देखिए MS यानी मिली सेकेंड, ये पर मिली सेकेंड पे ये शो करता है हमारा, यहाँ पे जो दिख रहा है ये पर मिली सेकेंड पे शो करता है। तो अभी 2.4 पर मिली सेकेंड का हवा चल रहा है, ये देखिए 2.1 हो गया, देखिए 1.8 हो गया। तो ये पूरा यानी कि जो एनीमोमीटर बाहर में लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमको इसको बोलते हैं, अब इसको भी आपको बता दे रहे हैं बाहर में, कोई भी एनीमोमीटर तो वो बाहर का नाम हो गया, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो ये शो करता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं विंड स्पीड, ठीक है, इसको हम लोग विंड स्पीड बोलते हैं इसको। यानी कोई भी पूछेगा कि कितना विंड स्पीड चल रहा है, तो आपको यहीं पे देख के बताना होगा, यहाँ पे आपको देख के बताना होगा कि कितना विंड स्पीड चल रहा है। और वो बाहर में जो है, जो वो पंखा घूमता है, जो इस तरह का बाहर में लगा हुआ टॉप पे जो लगा हुआ होता है, अपना बूम पे लगा हुआ होता है, टेलीस्कोप का सबसे टॉप पे लगा हुआ होता है, तो इसको हम लोग एनीमोमीटर बोलते हैं। और यहाँ पे जब आप लोग आ जाते हैं तो इसको हम लोग विंड स्पीड बोलते हैं, यानी कि कितना विंड स्पीड चल रहा है। तो यहाँ से हमारा पता चलता है कि विंड स्पीड कितना चल रहा है, यहाँ से हमारा पता चलता है कि विंड स्पीड कितना चल रहा है। तो यही होता है हर काम करने के लिए, साइड पे, साइड के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि कितना विंड स्पीड चल रहा है, कितना स्पीड में चल रहा है, वो साइड के ऊपर डिपेंड पड़ता है। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा आपको 12 जो होता है 3, या तो 12.8 या तो 12.5, ज्यादातर 12.8 के बाद से जो होता है, 12.8 के बाद से बिल्कुल काम किया नहीं जाता है। वो भी साइड के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप कौन सा मटेरियल उठा रहे हैं, कौन सा माल उठा रहे हैं, आपका क्या काम है, उस अनुसार से ये डिपेंड होता है। ऐसे तो 9.6 पे ही बंद हो जाता है, 9.6 पे ही बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर जो सेटर वगैरह उठाते हैं बड़ा बड़ा, जिसमें हवा पकड़ने का चांस रहता है, वो 9.6 से ही बंद हो जाता है। और नहीं तो जिसपे हवा पकड़ने का कम चांस होता है, तो उसमें क्या होता है, 12.8 से बंद होता है साइड के ऊपर। तो आप लोग ये सब याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एनीमोमीटर किसको बोलते हैं, उसके बाद से विंड स्पीड किसको बोलते हैं, एनीमोमीटर का क्या काम होता है,
एनीमोमीटर किस लिए क्रेन में दिया हुआ होता है? तो एनीमोमीटर जो होता है हमारा क्रेन का एक डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है, जिसका नाम है एनीमोमीटर। और एनीमोमीटर हमको ये दर्शाता है कि बाहर में हवा कितना चल रहा है, उस अनुसार से हम काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो ये चीज दर्शाता है हमारा एनीमोमीटर। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें साथ में। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।